जिनको कम बजट में लैपटॉप नहीं मिलता ना बाजार में, उनके लिए ये है 7,500 रुपये में विंडोज 10। लेकिन सबसे ज्यादा जो लोग इसको लाइक करते हैं ना, उसकी वजह ये है कि इसमें ये स्टाइलस पैन है। अरे क्या बात है जी, और खूबसूरत मशीन लगती है। कीबोर्ड भी इसका बैकलेट है, इसमें लाइट चलती है, बहुत स्लिम है, खूबसूरत है, लाइट वेट है। फिर इसका लुक देखें, इनकी बैटरी है ना इमरान भाई 9-9, 10-10 घंटे चलती है। आप सब खैरियत से होंगे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इमरान में भी लोग। तो आज असद भाई के पास आए हैं काफ़ी टाइम बाद। असद भाई आप लोग के लिए वैरायटीज लेकर आते हैं माशाल्लाह, लैपटॉप के अंदर, क्रोमबुक्स के अंदर वो वैरायटी होती है जो माशाल्लाह आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। तो आज भी इसी वजह से हम आए हैं असद भाई के पास कि आप लोगों के साथ शेयर करें इनके पास कौन कौन सी बेहतरीन वैरायटी आज आई है। तो चलते हैं असद भाई से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं इमरान? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अब आप ही बताएं हमारे व्यूअर्स को क्या लाएं उनके लिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्रोमबुक में हमेशा की तरह बहुत एक्सक्लूसिव वैरायटी आई है। वो मॉडल जो अभी इमरान मैंने बताया, जैसे कि बाजार में नहीं होते, 2020 के, 21 के, 2022 के मॉडल, कम बजट में जबरदस्त इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें हैं। बड़े स्क्रीन साइज में भी हैं, 360 में भी हैं, नए प्रोसेसर में भी हैं, कुछ चंद एक मॉडल लैपटॉप के भी हैं, ऑलमोस्ट क्रोम बुक हैं, और चंद एक क्रोम बुक हैं बहुत कम बजट में, विंडोज़ करके रखी हुई हैं, ताकि जिसको कम बजट में लैपटॉप चाहिए उसका भी काम आसान हो जाए। तो सब दिखाते हैं इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पर जाने से पहले अगर आप नए हैं चैनल पर तो इमरान नबी को चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जी असद भाई कहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं? इमरान भाई शुरू करते हैं सबसे पहले लो बजट से ना, ठीक है। ये क्रोमबुक आपको नजर आ रही है, डेल की क्रोमबुक है, 2 GB 16 GB है इसमें, सही है। 2 GB रैम, 16 GB स्टोरेज है, मेमोरी कार्ड स्लॉट है, HDMI है इसमें आउटपुट, सही है। 2 USB पोर्ट हैं इसमें और ऑक्स केबल है, 4 से 5 घंटे बैकअप देती है विंडोज के ऊपर, क्रोम में 6 से 7 घंटे देती है। बाबा दोनों में मिल जाएगी आपको, जिनको कम बजट में लैपटॉप नहीं मिलता ना बाजार में, उनके लिए ये है 7,500 रुपये में विंडोज 10। ऐसी बेहतरीन चलती है कि i3 फर्स्ट जनरेशन के लैपटॉप में नहीं चलेगी, ठीक है ना, तेज चलती है। MS Office, गूगल क्रोम हम आपको डाल के देंगे ऑन रिक्वेस्ट, डलावा नहीं होता, ड्राइवर वगैरह कंप्लीट हुए होते, सिर्फ 7,500 रुपये में। मान भाई 7,500 में विंडोज के साथ, अच्छा विद चार्जर, हाँ विद चार्जर। अच्छा अब लोगों का सवाल होता है 7,500 वाला लैपटॉप क्या चलेगा, विंडोज 10 ऐसी बेहतरीन चलती है, चला के डेमो कराएंगे, MS Office वगैरह, गूगल क्रोम, आपका छोटा मोटा होम और ऑफिस का वर्क बेहतरीन हो जाएगा इसमें। मैं सिर्फ बातें नहीं, आप यहाँ आए चला के चेक करें, चले तो लेना वरना छोड़ दें, सही है ना। हाँ अच्छा, इसमें फिर हमारे पास 4 GB वाला वेरियंट भी है सेम क्रोम बुक में, तो 7,500 में आपको 2 GB बताया, 9,500 में 4 GB है, उसमें भी विंडोज और क्रोम दोनों मिल जाएगा। तीसरा वेरियंट इसमें टच वाला है, वो 11,000 रुपये का है, जबरदस्त, ठीक है, तीन वेरिएंट, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं क्रोम बुक में, छोटी वैरायटी तो बहुत सारी लोगों के पास आती है, छोटे मॉडल हमारे पास इस दफा छोटे मॉडल में 5-6 मॉडल ही आए हैं, ये आप दिखाएं व्यूवर्स को। अच्छा इन मॉडलों की खूबी क्या है पता है मैम भाई? छोटा क्रोम बुक है ना, वो बाजार में मिलता है 2012 का मॉडल, 2010 का मॉडल, लोग इतनी डीप में नहीं जाते, वो उसकी लाइफ इतनी ज्यादा नहीं होती, चलती है वो, खराब नहीं होती है, हाँ पुराना। अभी हमारे पास जो माल है ना, इसके आप मैन्युफैक्चरिंग डेट दिखाएं, ठीक हो गया, 2022 का तीसरा महीना, बेहतरीन है सर। ये सारे मॉडल 2021, 2020, 2022 के, ये जितने भी नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है, ये सारे, तो ये सारे लेटेस्ट मॉडल हैं, अच्छी चीजें हैं, और 4GB 32 में है सबसे, हाँ, और सबसे इसकी जो बेहतरीन बात वही है, इनमें टाइप सी चार्जिंग है, तो ना चार्जिंग जैक खराब होते हैं ना आपको चार्जर का मसला। तो इसमें जो 4-5 वेरिएंट है मैं आपको एक एक करके जल्दी जल्दी दिखाता हूँ। सबसे पहला इसमें ये वेरिएंट है, इनके लुक आप दिखाएं व्यूवर्स को कैसे हैं, ठीक है ना, छोटी चीज़ें बेहतरीन बेहतरीन लुक है, सिल्वर ब्लैक में, और ये भी 2020 का 11वां महीना है इमरान भाई, यानी 2021 हो गया, ठीक है। 4 GB 32 GB की क्रोम बुक है ये, 12,500 रुपये में, 12,500 टाइप सी चार्जर के साथ, चार्जर के साथ 4 32, ठीक है। इसका ही दूसरा मॉडल है, उस पर आते हैं, ये भी लेटेस्ट मॉडल है, अच्छा मॉडल है, सही है। इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग 2021 का दूसरा महीना है, अच्छा इसकी स्पेक्स बहुत अच्छी हैं, अच्छा लुक में भी बहुत शानदार है, ठीक है। अच्छा इसमें दो चीज़ें, प्रोसेसर भी जो है ना AMD A4 रेडियन है, ग्राफिक वाली मशीन है ये 4GB 64GB है, ये 15,000 रुपये की है, मतलब टाइप सी चार्जर 2021 का मॉडल 4 64 15,000 रुपये में, लुक वाइज भी अच्छा, ठीक है। इनकी बैटरी है ना इमरान में 9-9, 10-10 घंटे चलती हैं, 9-9, 10-10 घंटे। इसमें इसका ये एक लेनोवो का मॉडल है,
लेनोवो 100E थर्ड जनरेशन का, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखा है 2022 का तीसरा महीना, बिल्कुल जो साल अभी गया उसकी बुक है ये। 4GB 32GB है, 13,500 रुपए की। इसमें भी प्रोसेसर AMD का 305 रेडियन ग्राफिक वाला है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक ये मॉडल है HP का, ये भी जरा नया मॉडल है। इसमें दो तीन कलर आते हैं, देखें, एक ये वाइट है, एक इसका ग्रे है, एक इसमें ये ब्लू कलर है, ठीक है। इसका लुक दिखाएं कितना शानदार है आप यूजर्स को, ये बिल्कुल नई बुक है ये। अच्छा, दो चीजें इसमें आप ये भी दिखाएं कि ये एक तो स्लिम भी है, बहुत बहुत स्लिम है ये, ठीक है, बहुत स्लिम है, खूबसूरत है, लाइट वेट है, फिर इसका लुक देखें, ठीक है ना, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। 4GB 32GB है ये, प्रोसेसर भी इसमें अच्छा है, 12 इंच की स्क्रीन, टाइप सी, 12,500 रुपए में, नया मॉडल 2021 का। बुक देंगे कितनी स्लिम है, 8-9 घंटा बैटरी बैकअप देती है भाई, प्ले स्टोर इन सब में इनेबल्ड है, आपके ऑनलाइन क्लासेस, छोटा मोटा ऑफिस वर्क, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स बिजनेस, फ्रीलांसिंग के लिए ऐसी चीज है भाई कि आप 50,000 वाला लैपटॉप लोगे ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि 9 घंटा बैटरी बैकअप देगी, तेज चलेगी, मल्टीपल क्रोम ब्राउजर आप खोल के इस पे मल्टीटास्किंग करो तो बेहतरीन चलेंगी ये बुकें। उन सब की क्वांटिटी अवेलेबल है, क्वांटिटी माशाल्लाह अवेलेबल है भाई के पास व्यूअर्स, और जबरदस्त चीज ये है कि आपको 10 से 15,000 की रेंज में बेहतरीन चीज यहां पे मिल रही है, जो अक्सर मार्केटों में नहीं मिलती है। और मिलती भी है तो बहुत बहुत पुराने मॉडल मिलते हैं, 10-10 साल 12-12 साल पुराने मॉडल है, तो लोग सिर्फ स्पेक्स देखते हैं, मॉडल की अवेयरनेस अभी तक क्रोम में लोगों को नहीं है ना, जिस तरह लैपटॉप में लोग नाम से आते हैं ना भाई, एचपी में 840 चाहिए, इस तरह क्रोम में मॉडल की अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये आ गई HP Chromebook 11G6, ये भी AMD A9 प्रोसेसर है, इसमें 4GB 16GB है, 11,500 रुपए की। इसी में 4 32 भी है, 12,500 रुपए की। ये वाली Chromebook भी हमारे यहाँ बाजार में बहुत बिकती है, लेकिन इसका पुराना मॉडल बिकता है, HP G4 बिकता है, HP G5 बिकता है, G6 अभी तक किसी के पास नहीं आया है, क्योंकि ये टाइप सी में है, ठीक है, ये बाजार में नहीं है लोगों के पास वो लैपटॉप चार्जर वाली। इन सब की क्वांटिटी अवेलेबल है। इसके बाद हम आते हैं कुछ 14 इंच की क्रोमबुक, लोग कम बजट में मांगते हैं ना, स्क्रीन शायद उनको बड़ा चाहिए होता है लेकिन बजट कम होता है, तो उसमें भी हमारे पास कुछ आइटम आई है 14 इंच में, ASUS की 300, ये 2GB 16GB 10,000 रुपए की है, ठीक है, 14 इंच की बुक है यार। ये 14 इंच की जो स्क्रीन है ना, ये निकाल के आप लैपटॉप रिपेयरिंग वाले के पास जाओगे ना लेने या बेचने, 10,000 रुपए की तो इसकी स्क्रीन है भाई। अब ये माल में आ गई है 2GB रैम में, तो कम पैसों में बेच रहे हैं चार्जर के साथ। इसमें 4GB भी हमारे पास 12,000 रुपए की, कुछ मशीनों में प्ले स्टोर है, कुछ में नहीं है, उनमें भी डल जाता है, ठीक है, ये कम बजट वाली आ गई। इसके बाद कम बजट में लोग मांगते हैं 360, ठीक है ना, तो अमूमन वो 360 वाले क्रोमबुक महंगे होते हैं, हमारे पास कम बजट में भी है ना, लिनोवो की क्रोमबुक है, लिनोवो योगा 300E, ठीक है, 4GB 32GB है, टच है, 360 है, टाइप सी है, 8 घंटा बैटरी बैकअप है, क्वांटिटी अवेलेबल है मेरे पास इसकी, साफ सुथरी मशीन है, 15,000 रुपए में, 15,000 रुपए में 360 टाइप सी, क्वांटिटी अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह 15,000 रुपए में। अच्छा, फिर 14 इंच पे आ जाते हैं हम जी। तो 14 इंच में लोग नए मॉडल मांगते हैं अच्छे टाइप सी वाले, लेकिन उसके भी बजट फिर मार्केट में बहुत ऊपर निकल जाता है, ठीक है ना, अपने पास कम बजट में उसमें भी आइटम है 15,000 रुपए में मरन भाई, बल्कि आपके व्यूवर्स के लिए खुशूसी डिस्काउंट कर देते हैं आज इस पे, ये हम दे देते हैं 14,500 में, मजीद 500 14,500 में विद चार्जर। कंडीशन दिखाओ कैसी है, नई बुक है, बिल्कुल नई, 4GB 32GB 8-9 घंटा बैटरी ना चले ना, पूरे पैसे वापस ले आना मुझसे आप, ठीक है ना, इतनी गारंटी है आपको इसकी, और अच्छी साफ सुथरी बुक है विद चार्जर। इसमें फिर इस तरह की और बुकों में आ जाते हैं, तो हमारे पास ये HP का वेरिएंट आता है, इसमें भी ये दो तीन कलर होते हैं, देखो ये ग्रे है, ये ब्लू है, ये वाइट है, ठीक है। इस मशीन के भी मार्केट प्राइस ज्यादा है, लेकिन आपके वीडियो के तवज्जो से आज खुसूसी डिस्काउंट लगा देते हैं भाई है। क्योंकि हमारे पास अभी इस वक्त इसकी क्वांटिटी बहुत है ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसको काटना है हमें, 16,000 रुपए में दे देंगे नॉन टच, 16,000 4/32 टाइप सी 14 इंच HP नया मॉडल, 16 में नॉन टच दे देंगे, 19,500 में टच दे देंगे इमरान भाई, ठीक है, 19,500 में टच दे देंगे। आगे आते हैं थोड़ा सा, इसका नया मॉडल एक और है, लुक दिखाएं, HP 14 NA कहलाता है ये,
कलर देखें आप इसका, स्लिम बुक है ठीक है। इसमें भी दो वेरियंट है हमारे पास, एक ये नॉन टच है, ये 18500 का है, 4/32। एक इसी का टच है, वो 4/64 है, वो 25,000 रुपए का। नए मॉडल है, लुक देखें, कलर देखें, इसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह क्वांटिटी अवेलेबल है ना, ठीक है भाई। अच्छा एक और मॉडल हमारे पास आता है एसर स्पिन का, मुझे मिल क्यों नहीं रहा, मैं जरा देखूं। अच्छा उस दौरान मैं आपको जरा एक दो और मॉडल भी दिखा दूं, ये भी हमारे पास आए हैं, ये सैमसंग के मॉडल है, 4/32 है। लुक दिखाएं कैसे आपको, ये भी 2020-21 के नए मॉडल है ना, इसमें एक ये कलर भी है, ठीक है भाई। लुक देखें आप, ये 15,000 रुपए के मैन भाई, 4/32 नए मॉडल 2020-21 के, ठीक है। अच्छा इसमें एक मॉडल जो मैं आपको बता रहा था ना एसर स्पिन का, जो मुझे मिल नहीं रहा था वो ये रहा, इसकी भी हमारे पास काफी क्वांटिटी अवेलेबल है, ये भी आप चीज दिखाएं कैसी है। अच्छा ये 4GB 32GB है, इसमें 4/64 भी आता है, बत्तीस 18,000 रुपए का, 64 20,000 रुपए का, ये भी पूरा 360 है, गोरिल्ला ग्लास है इसमें, साफ सुथरी बुक है, और मॉडल जो है ना 2020-21 है इसका भी, ठीक है। एसर स्पिन कहलाता है, एसर स्पिन 11 कामयाब मॉडल है, 18,000 रुपए में 32, 20,000 रुपए में 64, टाइप सी और टच 360, ठीक है। क्या चाहिए आपको, इतनी जबरदस्त मशीन है आपको। अच्छा एमएम में क्रोम में बेतहाशा मॉडल है, खत्म ही नहीं होंगे, हम थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं उसको। अच्छा ये एमएम में अभी जो मैंने आपको एचपी 14 ब्लू वाली दिखाई ना एन ए, उसमें एक ये फुल व्हाइट कलर भी है, ठीक है। अंदर से लुक दिखाएं, सिल्वर बहुत खूबसूरत मशीन लगती है, कीबोर्ड भी इसका बैकलेट है, इसमें लाइट चलती है, ये भी 18.5 की नॉन टच है, 4/32, इसमें भी टच 4/64, 25,000 रुपए की है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद हम कुछ बड़ी मशीनों में आते हैं, 15.6 जो हमेशा से हमारी स्पेशलिटी रही है, ये बाजार में किसी और के पास माल नहीं आता। अच्छा ये 15.6 पे हम आते हैं, ये मैंने नम पैड वाली मशीन है, न्यूमेरिक कीपैड होता है ना, बहुत सारे लोग जो डेटा एंट्री वगैरह का इस तरह काम करते हैं ना, उनको ये बहुत उनके लिए आइडियल होती है न्यूमेरिक कीपैड वाली। इसके बाद जो सेकंड इसका फीचर अच्छा है वो ये 1080p है, 1080p रेजोल्यूशन है, फुल HD है, ठीक है। ये 4/32 है और इसमें ये नॉन टच है और इसमें टच भी आता है, ठीक है ना। तो ये जो नॉन टच वाला है ये 22,000 रुपए का है, टच वाला 26,000 रुपए का है। मैनुफैक्चरिंग डेट इसके भी दिखा दें, 2021 का तीसरा महीना है, मतलब कोई भी क्रोमबुक हमारे पास पुरानी नहीं है, सब नए मॉडल अपडेट मशीन है आपके पास। अच्छा अब इसी में ये जो एसर हमने दिखाई इसमें दो मॉडल हमारे पास और हैं टच में, एक ये मॉडल है, ये भी 1080p है, ये भी टच स्क्रीन है, लेकिन इसमें नम पैड नहीं है, इसमें साइड में दो स्पीकर दे दिए, थोड़ी खूबसूरत बना दिए। एक ये मशीन है इसमें, एक ये है, ये दोनों मॉडल इमरान भाई है तो 26,000 रुपए के, आपके व्यूअर्स के लिए 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, दोनों मॉडल 25,000 रुपए में ले लीजिएगा। एक इंटेल है, एक AMD A4 है, ठीक है भाई। अच्छा इनकी भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो क्वांटिटी अवेलेबल है। तीसरा वेरिएंट इसमें आ जाता है भाई हमारे पास, इसी का 360, मतलब 15.5-16 इंच की क्रोम बुक जो है ना भाई 360 में बाजार में नहीं होती है, अपने भाई ये भी 360 में पड़ा है भाई, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम आ जाते हैं, एक और मॉडल हमारे पास आया है, इसकी प्राइस जो है ये 28,000 रुपए का, 28,000 रुपए। अच्छा इसमें एक और मॉडल हमारे पास आया है मरन भाई, बड़ी ह्यूज क्वांटिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी 100 पीस होंगे इसके। ये मॉडल है एसुस का, मैं आपको ऐसे दिखाऊं, एसुस का C4 340, कोर M3 प्रोसेसर है 8th जनरेशन का। इसमें जो हमारे पास रैम आती है 4GB आती है, 64 आती है, ये तो 8GB में, लेकिन मोस्टली ये 4GB में होती है। 8GB में भी अभी हमारे पास 10-15 पीस अवेलेबल है, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी 4/64 की है, 14 इंच है, FHD डिस्प्ले, 2K रेजोल्यूशन है इसकी, ठीक है ना। नया मॉडल है क्रोम का, बैकलिट कीबोर्ड है। लुक मशीन का आप दिखाएं कैसा है, सोने पे सुहागा, सबसे जो बड़ी चीज है ना जो लोग पसंद करते हैं, 14 इंच में ना बेजल लेस, बेजल नहीं है, बॉर्डर नहीं है, ठीक है। दूसरा 360, ठीक है, बहुत लाइट वेट स्लिम खूबसूरत मशीन है इसकी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह क्वांटिटी है, मॉडल भी अच्छा है, नया है, 28,000 रुपए की दे देंगे 4/64 टाइप सी चार्जर के साथ, 33,000 रुपए की दे देंगे 8GB वाली, इसमें 8GB, ठीक है ना। तो क्वांटिटी अवेलेबल है इसकी,
इसके बाद अब कुछ हम आ जाते हैं, देखिए क्रोमबुक में मेरे पास बेतहाशा मॉडल है, हम एक वीडियो में तो सब दिखा नहीं सकते। व्हाट्सएप पे जो हमारा बिजनेस कैटलॉग है ना उसमें सब लगी हुई होती हैं। आप ये दिखाएं, आगे काउंटर में भी कुछ नए मॉडल लगे हुए हैं। अब हम सब दिखाने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना। बाकी कस्टमर व्हाट्सएप कैटलॉग पे चेक कर सकता है, दुकान पे आके चेक कर सकता है, व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट कर सकता है, हम उसको दिखा दें। कुछ हम अब आ जाते हैं, हमारे पास विंडोज लैपटॉप है, कम बजट में एक अच्छा लैपटॉप है, लेनोवो 300E, 4GB 64GB, ठीक है, टच है, 360 है। अच्छा 64GB SSD है, हार्ड डिस्क नहीं है। ये 17,000 रुपये का लैपटॉप है इमरान भाई। खसूसियत क्या है पता है, अमूमन इन तरह के छोटे लैपटॉप में SSD अपग्रेड नहीं होगी, इसमें SSD अपग्रेड हो जाएगी ना। SSD स्लॉट है, M2 स्लॉट लगती है, M2 SSD छोटी वाली। तो आप 128 लगाए, 256 लगाए अपने यूज से, आम लैपटॉप से कोटोडिया कोरा था फर्स्ट सेकंड जनरेशन, ये बहुत तेज चलती है मशीन। 17,000 रुपये में, 17,000 रुपये में SSD अपग्रेड, टच 360 भाई। इसके बाद कुछ हमारे पास i5 में मशीनें आती हैं जो मार्केट में बहुत रनिंग होती हैं, स्लिम मशीन है, डेल की कोर i5 7450, ठीक है। इसमें 8GB की रैम है, 500GB की हार्ड डिस्क है, कोर i5 फिफ्थ जनरेशन है, 14 in FHD है, 36,500 की है बैकलेट कीबोर्ड के साथ, 36,500 में चार्जर के साथ है, ओरिजिनल चार्जर। सेम ऐसी मशीन ये HP में भी है, कोर i5 देख रहे हैं कितनी साफ मशीन है। कोर i5 फोर्थ जनरेशन है, 4GB 128GB है, और SSD आप रैम हार्ड डिस्क जितनी अपग्रेड करना चाहो कर सकते हो, 33,000 रुपये की है, 33 की। थोड़ा सा इन मशीनों का रिव्यू दूँ आपको, ये मशीनें यूं तो बाजार में ऊपर से कंडीशन तो सब दिखाते हैं ना, सही है। असल चीज़ देखने की होती है, ये बोर्ड दिखाया साफ सुथरा क्लीन कंडीशन में ना, रैम भी एक सिंगल लगी हुई है, यानी आप अपग्रेड करना चाहे दूसरी एक और लगा सकते हैं, इसको 8GB कर सकते हैं, ठीक है इमरान भाई। अच्छा एक और क्रोमबुक हमारे पास आई है सैमसंग, ये है तो 464 है, तो ये 464, लेकिन खास बात ये है कि टच 360 है। लेकिन सबसे ज्यादा जो लोग इसको लाइक करते हैं ना, उसकी वजह ये है कि इसमें ये स्टाइलस पेन है। अरे क्या बात है जी, ठीक है, तो ये स्टाइलस पेन है, राइटिंग वाइटिंग जिनको ऑनलाइन क्लासेस देनी होती है, टीचिंग करनी होती है, उनके लिए बहुत काम की चीज है ना। मैं आपको, मुझे ये माल अभी आया है, मुझे इसका प्राइस भी, हसनैन ये कितने की रिटेल करते हैं अपन, ये 20,000 रुपये की बन गया स्टाइलस पेन के साथ, 4 64GB 64GB, अच्छी चीज है माशाल्लाह, बेहतरीन सैमसंग की है, ठीक है जी जबरदस्त। अच्छा ये 20,000 रुपये में है, लेकिन इसमें जो एक मसला है, लोग इसको लाइक इसलिए नहीं ज़्यादा करते, इसका साइज थोड़ा छोटा है, सही है। तो इसके मुकाबले में जो हमने ये एसुस की क्रोमबुक दिखाई है जी, वो बहुत पसंद लोग करते हैं, सही है। क्योंकि 14 इंच है, बेजललेस स्क्रीन है, दूसरा इसमें है सेलरॉन प्रोसेसर, सही है। इसमें जो है ना वो कोर एम प्रोसेसर है, अच्छा कोर M3 है, वो भी 8th generation का, ठीक है। अच्छा अब वीडियो को इख्तिताम करते हैं, क्रोमबुक और लैपटॉप तो हमने दिखाई दिए, मजीद भी बहुत है, सिर्फ 2 टैबलेट है हमारे पास, वो हम दिखा देते हैं। एक ही अल्काटेल का टैबलेट है, इसकी भी आप दिखाएं, काउंटर में ह्यूज क्वांटिटी है, ठीक है। 2GB 32GB Android 9 है, 8,000 रुपये में मान भाई, Android 9 वाला टैबलेट 2 32 8,000 रुपये बाजार में नहीं है, इसका ही 3 32 भी है 10,500 में, Android 9 या 10 है उसमें भी, वो टाइप सी चार्जिंग के साथ है। तीसरी एक चीज टैब में हमारे पास पड़ी हुई क्रोम टैब ना, 4GB 32GB का क्रोम टैब है, 10.3 इंच फुल HD स्क्रीन है इसकी, ये आपके व्यूअर्स के लिए दे देंगे हम 12,000 रुपये में, 12,000 रुपये में सिर्फ टैब, टाइप सी चार्जर इसमें लगता है, चार्जर इंक्लूड नहीं है। उसमें एक छोटा सा मसला ये, इसमें छोटे छोटे व्हाइट स्पॉट है, इस वजह से सस्ता है, 20,000 रुपये की आइटम है, लेकिन ये 12,000 रुपये में वर्थी है, क्योंकि 4 32 है, 6-7 घंटे इसका बैकअप चलता है, ठीक है ना भाई, चीज़ है वो खाली डॉट वैसे जो स्पॉट है, लाइट स्पॉट उसकी वैसे ही है, बिल्कुल। बाकी वैरायटी तो बहुत सारी है, लेकिन वीडियो को यही इख्तिताम करते हैं, बाकी चीजें आप कैटलॉग पे देख सकते हैं, व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, आपको हसनैन या मैं कोई भी व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, कैटलॉग दिखा देंगे, कराची का कस्टमर दुकान पे आ जाए, कैश ऑन डिलीवरी कर देते हैं, लेकिन 10% एडवांस लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, उसके बाद कैश ऑन डिलीवरी करते हैं ताकि ऑर्डर मैच्योर रहे, और जिसको 24 घंटे के अंदर अर्जेंट डिलीवरी चाहिए उसको फुल पेमेंट करनी होगी, हाँ COD में 3-4 दिन लगते हैं। कराची का कस्टमर तो मोस्ट वेलकम, दुकान पे आए, 1-2 घंटा चेक करे, फिर लेके जाए। जबरदस्त, आपको उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, इनका एड्रेस भी आपको मिल गया है, नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो में मिल गए, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।